क्वेश्चन नंबर 16, किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण 25 सेंटीमीटर है, किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण 25 सेंटीमीटर है, उसकी परिमिति 56 सेंटीमीटर है। किसकी? समकोण त्रिभुज का। उसकी सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या होगा? समकोण त्रिभुज में तीन तरह की भुजाएं होते हैं, लंब, कर्ण और आधार। ठीक है, लंब सब कर्ण जो है सबसे बड़ी भुजा होते हैं, बाकी लंब और आधार जो रहेंगे उसमें से कोई भी छोटा और कोई भी बड़ा हो सकता है, इस पर कोई दिक्कत नहीं होगा। कई बार बराबर भी हो सकता है, ठीक है, कई बार बराबर भी आएगा। तो आप देखिएगा, देखिए तो ये एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में भुजाओं के नाम अलग अलग होते हैं। सबसे जो बड़ा भुजा होता है समकोण के सामने वाला उसको कर्ण कहते हैं, ठीक है। जो दिया हुआ कितना, 25 दिया हुआ है, और इसके परिमिति दिए हुए, त्रिभुज का परिमिति मतलब तीनों भुजाओं का जोड़ जो दिया हुआ है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, यह आपके सवाल में 56 दे रखा है। क्या दे रखा है? 56। तो हमने क्या किया है यहाँ पे, इसको मान ले लिए हैं, ठीक है। इस प्रश्न के लिए सबसे पहले अगर हल करना है तो देखिए मैं क्या करता हूँ, मान ले कि ठीक है सबसे छोटी भुजा चाहिए, सबसे छोटी भुजा चाहिए, तो किससे? तो कर्ण तो सबसे बड़ा होता ही है, बाकी दो छोटी भुजा जो बच गया उनमें सबसे छोटी भुजा का मान चाहिए। तो मैंने, अगर आप चाहें तो इसमें से किसी को भी मान सकते हैं, हम आपको बीसी भुजा को सबसे छोटी भुजा मान करके बना रहे हैं। तो मान लीजिए कि सबसे, माना कि सबसे सबसे ठीक है सबसे छोटी भुजा बीसी की लंबाई है ना, एक्स मान लेते हैं। बीसी की लंबाई कितना है? एक्स है। जबकि एसी जो कर्ण है, क्योंकि कर्ण एसी जो है इसकी लंबाई क्या दिया हुआ है, ये ऑलरेडी दिया हुआ है 25। अब एबी की लंबाई हमें चाहिए, ठीक है, तो एबी की लंबाई के लिए क्या करेंगे, क्योंकि परिमिति क्या दिया हुआ है, इस त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी का परिमिति, परिमिति जिसको परिमाप भी कह सकते हैं, यह जो टोटल दिया हुआ है यह है 56। क्या हुआ? 56। तो परिमिति के लिए तीनों भुजा की लंबाई को जोड़ना पड़ता है, तो ये हमें नहीं पता है, कौन, ये ए बी नहीं पता, तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इक्वल टू 56। अब ए बी का वैल्यू तो नहीं पता है, कोई बात नहीं, बी सी एक्स मान लिए और ए सी कितना है 25 आएंगे, तो ए बी का वैल्यू जो आपका हो जाएगा 25 जाएगा, घट जाएगा तो कितना बचेगा 31, प्लस एक्स इधर उधर जाएगा तो माइनस एक्स हो जाएगा। ए बी का वैल्यू हो गया 31 माइनस एक्स, ठीक है। अब चूंकि ये समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में हम लोग जानते हैं कि कर्ण के स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। इसी बेस पर इसको हम लोग बनाएंगे। तो देखिए, ठीक है, समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में, ठीक है, यहाँ पर लिखिएगा समकोण त्रिभुज एबीसी में क्या होगा, कर्ण, कर्ण के स्क्वायर बराबर आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर। तो आधार के स्क्वायर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, लंब के स्क्वायर क्या हो जाएगा, 31 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और यह दोनों जो होता है इसका योगफल किसके बराबर, कर्ण के स्क्वायर के बराबर। तो कर्ण कितना है 25, इसका स्क्वायर हो गया, क्या हो गया, 25 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। यह जो वैल्यू होंगे आपका, अब इसको हम लोग 31 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसको फैक्टर तोड़िए इसका, है ना, इसका ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 31 का स्क्वायर हो जाएगा 961, और माइनस 2ab, तो 31 गुना क्या जाएगा 62x, और प्लस एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा आपका 25 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, ये 25 का स्क्वायर है, 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625, 25 का स्क्वायर कितना आएगा 625, ठीक है। अब देखिए 25 का स्क्वायर 625 आ गया, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर
एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, क्या होगा टू एक्स स्क्वायर, क्या होगा आपका टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 961 है और ये 625 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, तीन में जैसे ही दो कॉमन है, दो कॉमन लेकर उधर भेजेंगे तो जीरो बटा कुछ भी क्या जाएगा जीरो, यानी कि इसे बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 31x और प्लस ये हो जाएगा आ जाए, जोड़ने या घटाने से 31 आ जाए। ठीक है, तो अब देखिए 169 जो है, 169 है, इसको आप अगर 7 से लगाएंगे तो 7 × 14 और 7 × 4 = 28। अब देखेंगे कि 7 × 24 जो आता है तो 7 और 24 जोड़ने से कितना जाएगा 31, गुना करने से हमको 168 मिल रहा है। मतलब ये फैक्टर जो है, ये दो पार्ट्स जो हो जाएंगे ये सही हो गए इस गुणनखंड के लिए, बस हमको माइनस चाहिए तो हम दोनों पार्ट्स में क्या करेंगे माइनस लगा देंगे और गुना करेंगे तो प्लस ही मिल जाएगा, इसलिए ये सही हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 24x माइनस 7x प्लस 168 इक्वल टू जीरो, एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस 24 आ जाएगा, यहाँ माइनस 7 कॉलम में तो माइनस 7 कॉमन तो एक्स माइनस यहाँ भी 24 आ जाएगा बराबर जीरो। अब आप देखेंगे तो दोनों में सेम वैल्यूज है, एक्स माइनस 24 और दूसरे कोष्ट के बाहर एक्स माइनस 7 हो जाएगा, इन दोनों को बारी बारी से जीरो कीजिएगा तो एक्स के वैल्यू 7 आएगा, एक तो क्या आ जाएगा 24 आएगा। ठीक है, चूँकि यहाँ पर दो वैल्यूज निकालना है, ठीक है, तो सबसे छोटा मान चाहिए, तो सबसे बड़ा कौन है कर्ण है, उसके बाद एक भुजा के अंदर 7 आ गया, वो कितना है 24 है, तो दोनों में 24 बड़ा हो गया तो सबसे भुजा सबसे बड़ा कौन होगा, सॉरी सबसे छोटा कौन हो जाएगा तो 7, अतः सबसे छोटी, सारे थ्योरी के साथ मैं आपको समझा रहा। तो इस तरह से अगर ये आपका समकोण त्रिभुज हो जाता है, ठीक है, देख लीजिए ये एक मान लेते हैं कि समकोण त्रिभुज है, इसका नाम ए बी और सी, बी समकोण है, बी क्या है समकोण है, ठीक है, और कर्ण के संबंध में कहा है, तो कर्ण मान लेते हैं कि मान ले कि कर्ण कर्ण ए सी बराबर इसकी लंबाई क्या हो जाएगा एक्स, तो एक भुजा, ठीक है, ए बी क्या हो जाएगा, एक भुजा ए बी, तो कहता है कि एक भुजा से 2 सेंटीमीटर अधिक है, यानी कि उस भुजा से 2 सेंटीमीटर अधिक है तो दूसरा एक भुजा जो होगा वो कर्ण से 2 सेंटीमीटर कम होगा, तो कर्ण में 2 घटा देंगे तो एक भुजा तो निकल गया और दूसरी भुजा कौन बच गया आपका बी सी, इसके संबंध में कहा है कि वो दूसरी भुजा के 2 × 1 अधिक है, दूसरी भुजा के 2 × 1 अधिक है, मतलब दूसरी भुजा जो है कर्ण के कर्ण से 1 कम का आधा है, ठीक है, कर्ण में से 1 घटा देंगे उसका आधा कर देंगे, तो इसका मतलब है कि यह इसके 2 × 1 अधिक कौन हो गया कर्ण। अब देखिए कर्ण की लंबाई 1 है, कैसे, तो x माइनस 1/2, इसमें 2 से गुना कीजिए और 1 जोड़ेंगे तो देखिएगा आपको कर्ण की लंबाई निकल, 2 कट जाएगा तो x माइनस 1 बचेगा प्लस 1, तो प्लस 1 प्लस माइनस 1 कैंसिल, क्या मिल जाएगा x, तो कर्ण की लंबाई जो है दूसरी भुजा के 2 × 1 कम है, तो हमने कर दिया ये कर्ण की लंबाई हो गया। इस तरह से आप देख रहे हैं कि इस त्रिभुज के तीनों भुजा हम लोगों को पता हो गया, त्रिभुज के तीनों भुजा पता हो गया, कर्ण भी और एक आधार भी, इसको ये आधार भी मालूम चल गया कि x माइनस 1/2 और कर्ण भी, कर्ण x पता है और लंब जो है x माइनस 2, ठीक है, तो इस तरह से इस त्रिभुज के तीनों भुजाएं हम लोगों को पता हो गया। अच्छा पता हो गया क्योंकि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं जरा देखिए कि किसी भी समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, इस तरह चलते हैं प्रोसेस, तो कर्ण के स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, आधार के स्क्वायर में क्या हो जाएगा एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस लंब, या आधार या लंब कोनों पहले लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स माइनस 1/2 होल स्क्वायर। अब इस पर आप प्रोसेस कराएंगे, इसको देखिएगा तो ये जो क्या एक्स स्क्वायर माइनस 4x + 4 है ना, और यहाँ प्लस तो प्लस ही रहेगा, ठीक है, यहाँ प्लस तो प्लस ही रहेगा, अब ये 1 − x² तो ये भी हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x
प्लस वन, सबके बट्टा में क्या जाएगा दो का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा चार। अब देखेंगे बराबर के दोनों तरफ एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब इन सब के अगर बट्टे एक करके अगर आप वन कर देंगे ठीक है, तो फिर ये लसा आ जाएगा इस दोनों का, तो कितना आएगा लसा, लसा जो दोनों का है बराबर क्या कुछ नहीं तो जीरो बचा, लसा आ जाएगा चार। तो चार से इसमें गुना होगा तो चार चौका सोलह, माइनस में है तो माइनस सोलह ठीक है, सोलह एक्स हो जाएगा, और प्लस चार है तो प्लस चार चौका सोलह केवल रहेगा। प्लस इधर में क्या है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन है ना, इतना तो आएगा ही, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स और प्लस वन आ गया, बट्टे में जीरो बराबर ये जीरो हो गया बट्टे में चार। अब देखेंगे इसको अगर सीधा किया जाएगा है ना, तो देखिएगा कि एक्स स्क्वायर क्या आ गया एक्स स्क्वायर ठीक है, और 16 दो माइनस अट्ठारह एक्स, सोलह एक सत्रह, दोनों प्लस में है तो जुट जाएगा बराबर क्या जाएगा जीरो। अब इसका फैक्टर इस तरह से करना है 17 को कि जोड़ने या घटाने से फैक्टर का 18 आ जाए, गुना करने पर 17 ही आ जाए। तो इसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है कि एक्स स्क्वायर माइनस सत्रह एक्स माइनस एक्स प्लस 17 बराबर जीरो। इस कंडीशन में आप देखेंगे कि x कॉमन लेने से x माइनस 17 कोष में बचेगा, और यहाँ पर कुछ नहीं कॉमन है तो माइनस एक लेना पड़ेगा, जो चिन्ह रहता वही लेना पड़ता है, तो x माइनस 17 आएगा बराबर जीरो हो जाएगा ठीक है। अब दोनों कोष में सही मान है बराबर है, इसका मतलब सही है, तो x माइनस 70 और ये हो जाएगा, इस कोष के बाहर x है इसके बाहर माइनस वन है बराबर जीरो। बारी बारी सॉल्व कीजिएंगे करेंगे तो x बराबर वन और 17 दोनों आएगा, तो x बराबर वन संभव नहीं है, x बराबर वन संभव नहीं है ठीक है, क्योंकि x बराबर अगर वन करेंगे तो इसमें x के जब वन डालेंगे तो वन माइनस वन जीरो जाएगा, जीरो बटे कुछ भी क्या होगा जीरो, और समकोण त्रिभुज का भुजा जीरो जाए, किसी भी त्रिभुज का भुजा जीरो नहीं हो सकता, जब भुजा की लंबाई ही जीरो हो जाएगा तो फिर वो तीन भुजा होगा ही नहीं, तो फिर वो ज्यामितीय त्रिभुज बंद आकृति बनेगा ही नहीं, त्रिभुज ही नहीं होगा। देन एक्स का वैल्यू कितना जाएगा 17 रहेगा, एक्स का वैल्यू क्या चलेगा 17 मान के चलना होगा। तो एक्स क्या था कर्ण था, एक्स क्या था कर्ण, तो कर्ण बराबर कितना हो गया 17। अब एक भुजा हो गया ए बी, एक भुजा क्या हो गया ए बी, कर्ण को हम लोग कहे थे ए सी ठीक है, कर्ण को क्या कहे ए सी, और ए बी हो गया दो कम है, ए बी क्या है दो कम है, दो घटा दीजिएगा तो 15 में दो जाएगा कितना जाएगा 17 में दो जाएगा तो 15 ठीक है। अब है एक बी सी है ना, उसमें से एक घटाना है तो एक कितना 17, 17 में से एक कितना हो जाएगा 16, 16 बटे दो कितना हो जाएगा 8, यानी कि ये 8 हो गया। तो इस तरह से हमारा आंसर जो होगा 17 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, क्या होगा 8 सेंटीमीटर। इस तरह से इस सवाल को आप आराम से बना सकते हैं, देख लीजिए स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप।